राधे राधे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल में। आज मैं लेके आई हूँ झटपट बनने वाला पाव भाजी की रेसिपी। ये बहुत ही जल्दी एक ही बर्तन में बनकर तैयार हो जाता है, इसे मैं आज कुकर में बनाने वाली हूँ। चलिए तो आज की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। एक चुकंदर मैंने ले लिया है, थोड़ा सा गोभी और दो मीडियम साइज का आलू, एक शिमला मिर्च और दो गाजर मैंने बड़े बड़े पीसेस में काट लिया है। दो कप हरा मटर ले लिया है, दो कप मैंने बड़े बड़े पीसेस में कटा हुआ टमाटर, थोड़ी सी धनिया की पत्ती, बारीक कटा हुआ लहसुन, 5 से 6 मीडियम साइज के प्याज मैंने बारीक काट लिया है, अदरक और हरी मिर्च भी ले लिया है। गैस पे मैंने कुकर चढ़ा दिया है और कुकर में डालेंगे रिफाइंड तेल। आप चाहें तो इसे देसी घी और बटर में भी बना सकते हैं। मैं इसे रिफाइंड ऑयल और बटर में बना रही हूँ। तेल डालने के बाद बटर डाल देंगे। तेल गर्म होने के बाद इसी में हम बारीक कटा हुआ लहसुन डाल देंगे। लहसुन मैंने 4 चम्मच बारीक कटा हुआ लिया है और इसे हम डाल देंगे। और इसी के साथ साथ बारीक कटा हुआ हरी मिर्च और अदरक भी डाल देंगे। अदरक 2 इंच बारीक कटा हुआ और हरी मिर्च अपने टेस्ट के अनुसार लेंगे। इन सबको डालने के बाद इसे फ्राई करेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम ही रखेंगे। अदरक लहसुन और हरी मिर्च जब फ्राई हो जाएंगे तब हम इसी में डाल देंगे बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज और टमाटर की मात्रा हम बराबर बराबर लेंगे। सब्जियों की मात्रा आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। जब ये प्याज का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए तब तक हम इसे फ्राई करेंगे। यहाँ पर हमारा प्याज फ्राई हो चुका है, ये देखिए, आप देख सकते हैं। इसी तरीके से हमें प्याज को फ्राई करना है। और अब हम इसी में डाल देंगे 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। इसी के साथ साथ 2 चम्मच डाल देंगे पाव भाजी मसाला। मैं यहाँ पर पाव भाजी में हल्दी पाउडर नहीं डाल रही हूँ, अगर मैं आप चाहें तो हल्दी पाउडर हल्का सा डाल सकते हैं। और मसाले को डालने के बाद फ्रेंड्स इसे हम 3 मिनट तक भुनेंगे, ज़्यादा हमें मसाला नहीं भुनना है। और 3 मिनट के बाद आप देख सकते हैं मसाला हमारा अच्छी तरह से भुन गया है। और अब हम इसी में तुरंत सारी सब्जियों को डाल देंगे। एक साथ हम सारी सब्जियों को डाल देंगे, चुकंदर, गाजर, गोभी, आलू, हरा मटर, टमाटर सभी को हम डाल देंगे। और इन सबको डालने के बाद सारी सब्जियों को अच्छी तरह से चला देंगे। कुकर हमारा भर गया है, आप देख सकते हैं सब्जियों से। जब हम प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद करेंगे तब सारी सब्जियां गल जाएंगी। इस भाजी में ज़्यादा कुछ नहीं डाली जाती है, ये भाजी ऐसे ही बनकर बहुत ही टेस्टी तैयार होती है। और इन सबको मिलाने के बाद इसी में डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। नमक डालकर एक बार इसे फिर से हम मिला देंगे। जब भी पाव भाजी बनाइएगा फ्रेंड्स, चुकंदर इसमें ज़रूर से डालिएगा, इससे इसका कलर और टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसमें हमें कोई भी फूड कलर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ऐसे ही बहुत सुंदर कलर बनकर तैयार होता है। और अब हम इसमें डाल देंगे 2 कप पानी। 2 कप पानी डालेंगे, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। और इसे एक बार फिर से अच्छी तरह से मिला देंगे। और अब हम जल्दी जल्दी कुकर का ढक्कन बंद कर देते हैं, गैस का फ्लेम हाई कर देंगे और 5 से 6 सीटी देने तक इसे हम पकाएंगे। बहुत ही जल्दी कुकर में बनकर ये भाजी तैयार हो जाती है। एक बर्तन में 2 ग्लास पानी रख देंगे गैस पर। और जब ये पानी गर्म हो जाएगा अच्छी तरह से तब हम इसमें 1 चुटकी ऑरेंज कलर डालेंगे, हल्का सा, ज़्यादा नहीं डालेंगे, हल्का सा ही डालेंगे। इस पानी में मैं पनीर को बॉयल करने वाली हूँ। 300 ग्राम मैंने पनीर लिया है और इसको बड़े बड़े पीसेस में इसी तरीके से काट लिया है। इसी पानी में हम डाल देंगे पनीर को। पनीर को डालने के बाद इसे हम ढक देंगे और मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट तक इसे उबालेंगे। पनीर उबालने से पनीर एकदम अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाता है, इसे हमें फ्राई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मैं आप पनीर डालना चाहते हैं
तो आप डालिएगा, नहीं तो पनीर को स्किप कर दीजिएगा। 3 मिनट के बाद पनीर को छान कर रख देंगे और पानी को हम फेंक देंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रेशर कुकर का सारा प्रेशर निकल चुका है। इसका कलर देखिए कितना सुंदर आया है, ये देखने में ही बहुत अच्छा लग रहा है। अभी इसे हम अच्छी तरह से मैश करेंगे मैशर से। ये देखिए मैशर से इसे कुकर में ही अच्छी तरह से मैश करेंगे। खूब अच्छी तरह से इसे इसी तरीके से मैश कर लेंगे सारी सब्जियों को। मैश करने के बाद आप देख सकते हैं चुकंदर से हमारे भाजी का कलर कितना सुंदर आया है। मैंने इसमें कोई भी फूड कलर नहीं डाला है, आप देख सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, इसका इतना सुंदर कलर आया है, सिर्फ चुकंदर से ही इसका कलर बहुत अच्छा आया है। इसमें हमें कोई भी कलर नहीं डालने की जरूरत है। पनीर में मैंने थोड़ा सा फूड कलर डाला हुआ था पनीर का कलर चेंज करने के लिए। अगर मैं आप पनीर डालना चाहते हैं तो डालिएगा, नहीं तो स्किप कर दीजिएगा। पनीर का पानी मैंने हटा दिया है और सारे पनीर को छानकर भाजी में डाल देंगे। इसे हमें फ्राई करने की कोई जरूरत नहीं है, इसी तरीके से हम पनीर को बॉईल करके ही डालते हैं। और पनीर को डालने के बाद हमें इसे कुछ भी नहीं करना है, इसको हमें पकाना भी नहीं है, बस अच्छी तरह से इसे हम मिला देंगे। इसी तरीके से आप भी कुकर में बनाइए भाजी, बहुत ही जल्दी ये बनकर तैयार हो जाती है। और अब हम डालेंगे ऊपर से थोड़ी सी धनिया की पत्ती। धनिया की पत्ती डालकर इसे अच्छी तरह से मिला देंगे। ये भाजी खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है, बहुत ही स्वादिष्ट भाजी बनकर तैयार हो चुकी है, आप देख सकते हैं। हमारे यहाँ तो इसे नान और फुल्का के साथ भी खाया जाता है। और अब चलिए अब हम पाव को सेक लेते हैं। तवे पर हम डालेंगे 1 चम्मच बटर। गैस का फ्लेम मीडियम ही रखेंगे और बटर को गलने के बाद ऊपर से थोड़ी सी धनिया की पत्ती डाल देंगे और पाव को बीच में से काटने के बाद तवे पर रख देंगे। दोनों तरफ उलट पलट कर हल्का सा पाव को सेकेंगे, ज़्यादा नहीं सेकते हैं पाव को, सिर्फ हल्का सा ही उलट पलट कर सेक लेते हैं। आप चाहें तो बटर के साथ कसूरी मेथी डालकर पाव को सेक सकते हैं। मैंने यहाँ पर धनिया की पत्ती डाला है। पाव यहाँ पर सेक चुका है और अब हम चलिए इसे सर्व कर लेते हैं। प्लेट में रखेंगे पाव और उसके बाद हम रखेंगे इसमें भाजी। भाजी के साथ आप बारीक कटा हुआ प्याज भी डाल सकते हैं और हरी मिर्च इसके साथ खा सकते हैं इसे और चटपटा बनाने के लिए। ये और भी सुंदर लगे इसके लिए हम ऊपर से थोड़ी सी इसमें धनिया की पत्ती डाल देंगे। 1 चम्मच डाल देंगे ऊपर से बटर। बटर से इसका टेस्ट और भी अच्छा आता है। थोड़ा सा नींबू का रस भी इसी में डाल देंगे। अगर मैं आपको नींबू का रस पसंद हो तो डालिएगा, नहीं तो स्किप कर दीजिएगा। आप भी एक बार पाव भाजी कुकर में जरूर से बनाकर खाइएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम।